आज हमारा 16 और 17 तारीख, 17 तारीख आज है, आज हमारा सेकंड डे स्ट्राइक है। ये गवर्नमेंट जो है, हम इसको ब्लैक बिल बोलते हैं, ये क्यों पारित कर रहा है? ये चीज़ करना नहीं चाहिए। हम ये आज लड़ाई है हमारे खुद के लिए नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं आम इंसान के लिए, जो दीन दुबले बिछड़े लोग हैं, जिससे गवर्नमेंट जो है हज़ारों स्कीम चलाती है, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम हमारी सैलरी के लिए लड़ रहे हैं। हम जो है, जो किसान है, आम किसान है, जो खेती चलाता है, जिनके आज भी हमारे पास से जो केसीसी है, जो कर्ज में हम देते हैं उनको, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम खुद के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ का सरकार का निषेध करते हैं। ठीक है, आज आम्ही बँकेच्या खासगीकरणा विरोधात हा संपाचा आमचा दुसरा दिवस आहे। तर आम्ही या सरकार विरोधात इथे निदर्शने देण्यासाठी जमले आहेत। तर गवर्नमेंट जे आहे, येणाऱ्या या हिवाळी अधिवेशनामध्ये बँकिंग अमेंडमेंट बिल आणते, त्या बिलामध्ये जे आहे ते बँक प्रायव्हेटाइज करण्यासाठी त्यांना ते सोपं जाईल त्यासाठी ते बिल आणते। त्या बिलाविरोधात आम्ही इथं सगळे जमा झाले आहोत। तर हे आमचा आज दुसरा दिवस आणि आमचे सगळे सहकारी इथं आलेले आहेत। तर बँक ऑफ महाराष्ट्राची मेन ब्रांचच्या पुढे आम्ही इथं निदर्शने देत आहोत सरकार विरोधात। तर हे जे खासगीकरण आहे ते देश हितामध्ये नाही आहे असं आम्हाला वाटते, त्यामुळे आम्ही याचे निदर्शने देत आहोत। तो हे हड़ताल है, ये हड़ताल 1917 और 16 और 17 तारीख दो दिन का हड़ताल हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने तय किया है। और हम कल का जो हड़ताल है अच्छी तरह से हमने कल किया है, और आज का जो हम यहाँ पे धरने आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो गवर्नमेंट की जो नीति है, जो निजीकरण गवर्नमेंट करना चाहती है, तो हम उसके खिलाफ ये हमारी जो हड़ताल है, हम हड़ताल करने जा रहे हैं। और जो ये जो निजीकरण से गरीब लोगों की जो है बहुत परेशानी बढ़ जाएगी, और जो जो गवर्नमेंट बैंक में जो हम जो स्कीम का स्कीम देते हैं वो प्राइवेट बैंक नहीं देगी। तो इसीलिए हम इस बिल का जो है बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ है, जो ये काला जो हम नियम है, एक्ट है, ये काला एक्ट बोल के हम इसका जाहिर निषेध करते हैं। और हम इस बिल का निषेध करते हैं। हमारे जो 10 जो बैंक है, सब नेशनलाइज बैंक है, सब बैंक के जो यूनियन है, हम एक जगह होकर यूनाइटेड फोरम में एक यूनियन है, वो यूनियन किया है। और वो यूनियन की तरफ से हम सब गवर्नमेंट का जो है निषेध करते हैं। और ये हमारी इच्छा है, और हमारे से ज़्यादा भी जो गरीब लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि ये बैंक अगर से प्राइवेट होगा तो हमारा क्या होगा। हम जनधन अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, या इसे अभी अगर प्राइवेट बैंक में गए तो आज 5,000-10,000 रुपये अकाउंट ओपनिंग के लिए पैसे आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ता है, वो सुविधा बैंक में। और ये जो गवर्नमेंट बैंक जो है, ये प्रॉफिट सेंटर नहीं है, ये एक सोशल सर्विस सेंटर है। इसको लोग गवर्नमेंट ने हमको एक टारगेट दिया है कि तुम्हें ये टारगेट अचीव करना चाहिए, लेकिन ये जो अगर से बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंक में अगर लॉस होता है तो होने दो, क्यों? तो आप गवर्नमेंट को पूरी जो सुविधा है वो मिल रही है। ये गवर्नमेंट बैंक जो है ये सर्विस सेक्टर है, प्रॉफिट सेंटर नहीं है। इसलिए हम सब जन मिलकर यहाँ पर आज धरने आंदोलन देने के लिए बैठे हैं, और आज हम इस कानून का जो लॉ है, ये लॉ का हम खिलाफत करते हैं। बस थैंक यू। गवर्नमेंट नहीं मानी तो इसके आगे क्या इसके अगर से गवर्नमेंट नहीं माने तो हम अभी इसके बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक का जो कॉल है हम देने वाले हैं।